स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर यूं ही रहे बरसा सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे किसी का घर द्वार, तुम्हारा प्यार। हवेली पति ने कहा कहा था तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हारे पति का एक्सीडेंट जरा भयंकर हुआ है, जाओ अपने पति से मिलना चाहते तो जाओ, उसमें तुमने साले 10,000 रुपया लिया था, आज बुलाओ उस मादर चोद छोटे सरकार को, देखते तेरी रक्षा कैसे करता है। हम किसी से पैसा नहीं, भाग भाग अपने थाने की तरफ, देखते तुझको कौन बचाता है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। सही कह रहे हो पहाड़िया, तमन्ना भर चुकी दिल में यही करी देती था। बहुत गजब आज मौसम देख कितना अच्छा है मालिक, आज पहले बहुत बार सुनोगे नहीं सुनेंगे, वरना नीचे राइफल की नाल घुसे लूंगा टाइगर दबा सुना। कहिए मालिक बताओ क्या हुआ, तुम पहले बताओ। हम बताए ना आज सपने में बहुत देखा है। अच्छा, कि सपने में किसी की मैया चुनने वाली है, मैया चुनने वाली। पहले हमारे पास सुन की आज मौसम बहुत अच्छा है, आज इस मौसम के हिसाब से हम लोग आज जम के पियेंगे, उसके बाद घूमेंगे चंदनपुर रियासत में, देखते कौन लौंडिया किसकी हसीन है, उठा कर लाओ हवेली को, बहुत मजा आएगा। सही बात, चल चल साहब कर हम खुद आराम करेंगे। बहुत लापरवाह हो गए हो मालिक, हम सपने में यो कहित रहा कि आज हम सपने में यो देख रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ जो मगौरा भात बना खाए वाला कोई नहीं है। छोटे सरकार पहचान सके तो पहचान ले, क्योंकि तेरी आंखों के पुतलिया पे बहुत चर्बी सवार हो चुकी है। ठाकुर खाता तुम्हारी और काफी रात चंदनपुर गांव में रहना है तो रहना है, अगर गांव में तो ठीक से रहो, वरना तेरी मौत का पैगाम। दगे बाद मक्कार आज ये हमरे भैया गुप चुप देते, ये बहन जी हैं कहते हैं इका सारे का यहाँ कपड़ा उतरवाओ, इका सारे बाल्टी भरे पानी में इका बोरी बोरी मारो, सब कुछ होगा इसके साथ। हाँ घोर घोर, क्योंकि इसके हवेली को जब मैं आई थी तो मैंने इससे कहा कि मेरे पति का एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है,
तो हमसे क्या कह रहा था छोटे सरकार कि तेरे पति का नहीं छोटे सरकार के दिल को एक्सीडेंट हुआ है। अरे वो तो मजाक ना कह दे। छोटे सरकार आज उस दिन की याद कर थाने के अंदर में तूने मुझको पागल बनाया था। जब तलक तुझे पागल नहीं बनाओगी तब तलक चैन से नहीं जियोगी। हम पति नहीं उसमें कारासानी सब सालों तुम लोगों की थी। अरे तुझे कैसे माफ कर दूं कर दूं माफ कर दो और तुझे कैसे माफ कर दूं तेरी सजा आई। ये आगे भाई साहब रात किशोर ये 10 रुपया कलम बंदी नाम दर है। कहा थे छोटे सरकार जब नहाए मोटल्लू इका हम हमरी तिर छोड़ दे थोड़ी। जैसा किया है तूने तूने अपने बाप इंस्पेक्टर रंजीत को जो तुम लोगों की रक्षा करता था बुला भाग ले अपनी हवेली की तरफ अगर अपनी जान बचाना चाहता छोटे सरकार नहीं तो मधु तुम लोगों को चैन से जिंदा नहीं रखेगी। यही मधु नहीं है ज्वाला है तुम लोगों के लिए मधु आग का। हर वक्त गंदी गंदे शब्दों का प्रयोग मत किया करो पहाड़िया। नहीं हम सोच रहे हैं आज हम तुझसे जानना चाहते हो कि हमरा पापी सुहाग साला कहाँ मिलेगा। मालूम है तुझे मालूम नहीं है हमको मालूम है पत्त में जो कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा वो साला ठेके पे शराब पी रहा होगा। सही कह रहे हो बड़ा बेगम ठेके की तरफ अपने पापी सुहाग से गिन गिन के बदले चुकाऊंगी। सही कह रहे हो तुम कम
ठेके पे शराब पी रहे हो। यार है तुझे मालूम, तू जिस इंसान को पागल बनाया था आज वही इंसान तेरी मां बनकर के आई है। हाय मरी दुल्हिना, किसने मार दिया भैया? तेरे बहनों साहब ने, तेरे जीजा जी ने अब तेरी बहन को गोली से मार दिया। अच्छा, लेकिन दीदी आज दीदी ने कानून के साथ में खिलवाड़ किया है और कानून सजा उसे अवश्य देगी। आज मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं भैया, उसको कानून नहीं सजा देगी मेरे भाई, उसको कानून नहीं सजा देगी, उसको सजा दो। क्या क्या दीदी, ये पिस्तौल लोड है और ये पिस्तौल मेरा मुझे दे दो। सारी बातें तो उसे झूठ बोल गई थी मेरे भाई। लेकिन झूठ किसने बोला था? मेरे भाई रवि का खून तेरा जीजा जी ने किया था। तेरी बहन की इज्जत एक बोतल शराब से छोटे सरकार से लुटवा दिया था। उसके बाद ये सारी बात जब मेरा बेटा संजू जान गया, कहने लगा तुमने मेरे मामा का खून किया, मैं सारे गांव में बताऊंगा, अपनी मम्मी से जाकर बताऊंगा। तो तेरे भांजे का दौड़ा दौड़ा करके जब रास्ते में पकड़ लिया तो उसकी खंजर से गर्दन को काट दिया मेरे भाई। मैंने उसी खंजर उठा करके पापी साहब को अपने मिटाना चाही, मगर उस थाने में जाकर के तेरे भानोई साहब ने 1,00,000 रुपए रिश्वत दे दिया रंजीत इंस्पेक्टर को। उल्टा इल्जाम तेरी बहन मधु पे लगा दिया, मारते मारते पागल ने बना दिया। ये खबर वही मेरा गरीबों का मसीहा अन्नदाता जो डाकू था, धर्म मेरी रक्षा किया, तब मैंने इस अपमान का बदला चुका हूं मेरे भाई। मेरी नसीहत को याद रखना मेरे भैया, कहीं अपना घर बसा लेना। मेरा भाई, मेरा बेटा संजू बेटा हमें बुला रहा है भैया। नहीं अंजू जी कसना, आ देखा हमारा हरा भरा परिवार सारा नष्ट हो गया। क्या? और हमारे परिवार में कोई नहीं बचा हुआ तुम्हारे सिवाय। आज बचंदरपुर थाने से ट्रांसफर करवाता हूँ और तुम्हें साथ में लेके चलता हूँ मैं यहाँ रहने, क्योंकि बहुत बड़ा खून खराबा हो रहा है। और अगर यहाँ भी रुकूंगा, क्योंकि यहाँ भी अब सहारा देने वाला कोई भी नहीं बचा हुआ है जी कसना। दोस्तों